यूनियन टेरिटरी बन जाने के बाद अब लद्दाख के लोगों का विकास भारत सरकार की स्वाभाविक जिम्मेदारी बनता है। स्थानीय प्रतिनिधियों, लद्दाख और करगिल की डेवलपमेंट काउंसिल के सहयोग से केंद्र सरकार विकास की तमाम योजनाओं का लाभ अब और तेजी से पहुंचाएगी। अब मैं आपको मजबूर होकर बताना चाहूंगा, अभी तक नहीं बताया कि लद्दाख में यूटी की क्या हालत है। 3 साल से जो यूटी प्रशासन है वो बहुत ही नाकाम रही है। हर आदमी आप अगर देखें तो दुखी है, युवा दुखी हैं कि उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। 12,000 नौकरियों की वादा किया गया था, अभी 800 की कुछ निकले हैं, वो भी पुलिस में, यानी कि लोगों का दमन करने के लिए, क्योंकि इतने अब जुलूस हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ लोगों में डर है कि उनकी ज़मीनें अब उनके हाथ में नहीं हैं, पॉलिसीज़ किसी भी चीज़ पे नहीं बनी है, मतलब 3 साल में कुछ भी यूपी में लगभग नहीं हुआ है। हाँ, फंड्स बहुत बड़े, यूटी के बहुत बड़े, 6,000 करोड़ का फंड है ऐसा कहा जाता है, मगर इतना ढीला ढाला प्रशासन है कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा तो वापस चला जाता है लैप्स होके। हालांकि कहा गया था कि लद्दाख का बजट नॉन लैप्सेबल होगा। अब ये 6,000 करोड़ एक आदमी के डिसीजन पर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के, वो जहां भी खर्च करे। लोगों का इसमें कोई भागीदारी नहीं, कोई डेमोक्रेसी नहीं। एक हिल काउंसिल यहां पर है लेह में, कारगिल में, उनको मिलता है कोई 500 करोड़ यानी कि 8-9% जो बजट का है वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि फैसला करते हैं, बाकी 99% पे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना मनमानी करते हैं, मैं तो कहूँगा, क्योंकि ये पैसे जब खर्च नहीं हो रहे हैं तो वापस जा रहा है, इससे लोग बहुत परेशान हैं। जब यूटी को 3 साल हुए तो एक सर्वे किया गया था जिसमें लोगों से पूछा गया, आप यूटी सरकार के 3 साल के काम को 5 में से कितने नंबर देंगे। 95% से ऊपर लोगों ने 1 या 0 दिया। तो ये हालत है लोगों के जुबानी।